हेलो और वेलकम बैक सभी का, फिर से वापस तुम्हारा भाई आ गया है। और आजकल थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हो गया ना, क्योंकि क्या है ना कि आजकल बहुत सारे काम वाम रहते हैं, बहुत कुछ है, तो उतना हो नहीं पा रहा। देखो अभी जैसे एक महीने पहले मैंने एक सेल ड्राइव की एक वीडियो डाली थी, चलो उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों का। लेकिन क्या है कि देखो जैसे पहले मैं डाल रहा था वीडियोस, ये प्रॉब्लम होता ही है, मतलब थोड़ा मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन हाँ, अभी जैसे ये सब प्रॉब्लम थोड़ा सा अभी मैं भी सीख जाऊंगा कि ये सबको कैसे सेटल करना है, तो फिर मेरे को भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो अभी बस यही सब सीख रहा हूँ कि अबे यार ये मेरे को समझ में, जब ब्लॉगिंग करता हूँ, जब भी कुछ करता हूँ, मेरा फोन हमेशा आता है। तो यही कि अभी मेरे बहुत सारे भाई लोग भी मेरे को बोल रहे हैं कि भाई आप वीडियो डालो, वीडियो नहीं डाल रहे हो, बहुत दिन से वीडियो डालो। भाई वीडियो तो डालू, लेकिन डालने के लिए कुछ है ही नहीं, अभी कंटेंट ही कुछ नहीं है। अभी बीच में मैंने कि मैं वीडियो अभी नहीं डाल रहा हूँ, और मतलब क्या है कि कंटेंट की कमी है भाई, सीधा बोलू ना भाई, अभी कंटेंट मतलब कुछ है नहीं मेरे पास। अभी क्या डालू, सेल ड्राइव डाल चुका हूँ, अभी कहीं घूमने जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी बिजनेस तुम्हारे भाई ने नए से खोल के रखा है। अभी तुमको मालूम है ना, अभी न्यूली ओपन किया, तो अभी तुम्हारा भाई थोड़ा वो सब पे है। देखो वीडियो में डाल दूंगा बहुत सारे, अभी बीच में जैसे कि पप्पूदा को आप लोग नहीं जानते, मैं दिखाऊंगा कौन है। पप्पूदा जो है मेरे जिम ट्रेनर है, तो वो आईफोन 16 लेने गए थे, उसका भी शूट किया मैंने, लेकिन मैं नहीं डाला, नहीं पता, मन नहीं कर रहा था मेरा, तो वो भी नहीं डाला मैंने। बीच में और एक दो शूट किया था मैंने, नहीं डाला वो सब, एक दो व्लॉग, मेरे को लगा शायद से तुम लोगों को पसंद आए, नहीं आए। इसीलिए अभी क्या है कि आज मैंने सोचा कि चलो आज का मौसम भी अच्छा है भाई, हमारे गुवाहाटी का मौसम मतलब क्या बोलूं यार, हमेशा रोमांटिक मूड में रखता मतलब क्या बोलूं, हमारे गुवाहाटी का मौसम सबको मालूम है, जो जो गुवाहाटी के लोग हैं और जो जो गुवाहाटी विजिट करके गए, गुवाहाटी का मोड 24/7 परफेक्ट मोड में रहता है हमेशा। तो चलो ये सब बात तो होते रहेंगी, अभी ब्लॉग पे आया हो तुम्हारा भाई, तुम लोगों के साथ ही बातें करेगा। सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, मेरी अल्ट्रोस का 2 दिन का रेंट लगा हुआ है उसका, तो उसका थोड़ा सा काम करवाना मेरे को। ये तो किधर है, दिख तो नहीं रहा अल्ट्रोस इधर, एक मिनट पप्पूदा से पूछता हूँ कि है किधर, उसका थोड़ा मोड़ा काम करवाना, देखते क्या काम है। पप्पूदा बोल रहे थे कि कुछ कुछ प्रॉब्लम है गाड़ी पे, देखते क्या प्रॉब्लम है। रुको कॉल करता हूँ मैं उनको। किधर है? अच्छा ये बोल रहा है, ये अल्ट्रोस किधर है? कब दी है मेरे को चाबी आप? अरे बोला ना वहां पे पार्किंग में होगा अल्ट्रोस। नहीं है। सुमित को फोन करो। आ कीजिए ना आप। अरे यार ये लगा तुम लेट वाला नहीं है, हराम नहीं दोनों। कौन दोनों? तुम और करो। अनुराग आया क्या? हम लोग कल मारेगा लेक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया है, फोन कर रहा है। ठीक है फोन करके पूछो। मारूंगा भाई लेग्स मारूंगा, लेकिन जो थोड़ा काम है अभी, देखो मैं मेरा क्या है, मेरा शेड्यूल मैं तुम लोगों को बताता हूँ थोड़ा। ये 11:30 बजे से लेके 2 घंटे तक, तो 2 घंटा पकड़ ही लो, 2-2.5 घंटा जिम करते हैं। अब उस पर टाइम ही निकल जाता, फिर बॉडी थक जाता, कुछ काम ढंग का हो नहीं पा रहा है। मैं मतलब हाँ चलो बॉडी वॉडी थोड़ी मोड़ी बन रही है, डाइट वाइट सब कुछ अभी फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या है ना जो काम है उसको मैं फिर नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा थक वक जा रहा हूँ, सो वो जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा नहीं हो पा रहा है। तो लाइक वैसे भी थोड़ा सा नहीं मारने का मन करता है, तो आज स्किप कर दिया आज स्किप करके पहले सोचा काम करवा लेते हैं। लाइक सा क्या है, कल संडे है, कल भी 12-1 बजे तक जिम खुला हुआ, कल मारेंगे अच्छे से, हैवी मारेंगे। हाँ सुमित भैया। हाँ बच्ची। हाँ बोल रहे हैं, वो मेरे दादाजी गिर गया था, तो हम थोड़ा हायत में आया। अच्छा अच्छा ठीक है, तो आप इधर जब आएंगे तो कॉल कीजिएगा। हम आ जाएगा अभी ज्यादा। ठीक है ठीक ठीक है, हम भी जिम में आइए। तो चलो जो भैया लेके गए हैं उनको आने में आधा घंटा थोड़ा टाइम लगेगा, वो लेके गए हैं क्योंकि उनका दादाजी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था। चलो तब तक आप देखते रहो, मैं जिम पे जा रहा हूँ अभी, अनुराग है ऊपर और पप्पूदा भी है, और पप्पूदा जो है ना वो हमारे ट्रेनर है, लेकिन उनके साथ जो हमारा रिश्ता है ना वो काफी काफी मजेदार रिश्ता है। चलो अभी दिखाता हूँ, अभी उनके साथ थोड़ा मोरा मजाक भी करूंगा मैं, वो इंसान भी काफी अच्छा है भाई, मतलब
मेरे जैसा इंसान को अगर मतलब इतने प्यार से अगर वो हैंडल कर पाता है, मैं इतना इरिटेट करता हूँ उनको, अभी देखो उनको और कितना इरिटेट करूँगा। चलो चलते हैं अभी जिम पे। तो भाइयों ये हमारे पप्पू दा, हमारे जिम के ट्रेनर। शरीर खराब है जनो जिगाई देसी कार हमार भालो तो इटा है तो इस राम प्री वर्कआउट है इस राम। छी 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 छी, आप ये सब खा के कैसे पप्पू दा गरीब बॉडी बिल्डर गरीब प्री वर्कआउट। दिखाई दे प्रतिज्ञा, दिखाई दिखाई दिखाई। ये देखो आदमी का किडनी लीवर बताइए ट्रेनर। ऐसे करेंगे तो बॉडी कैसे बनेगा? ऐसा 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 खाएंगे तो लड्डू भाई आप लोग लड्डू खाइए। कल के पपुदा को टिकट तो है। पपुदा टिकट है क्या? है हाँ है आपका? ये ऑटो एजेंसी में आया है। ये नहीं, ये वाला फॉर्च्यूनर। ये नहीं, पपुदा पपुदा ले लीजिए ना। हाँ बता फोन टू लीजिए ना। आपका फोन टू उधर पूरा ऊपर ले लीजिएगा। हाँ कितनी हाइट छोटी, कितनी हाइट छोटी, खड़े हो जाओ। आईफोन 16 अमीर लोग, अमीर मोबाइल ले लीजिए। आप तो नहीं पहुंच सकते थे, हम आपको दे दें। भाई गाड़ी का काम जो था वो ऑलरेडी करवा चुके हैं भैया लोग। तो अभी क्या है, मेरे को इस तरीके से मोटिवेट किया गया है। मैं अभी जा रहा हूँ घर पे, चेंज करके फिर से जिम पे आ रहा हूँ, लेग मारूंगा और तुम लोगों के क्वेश्चन आंसर्स जो तुम लोगों ने पूछे थे मेरे से वो मैं बताऊंगा तुम लोगों को। बस जिम करके निकल जाओ भाई, रुक जाओ। वैसे मैं आप लोगों को बोल रहा था ना कि एल्ट्रोस पे कुछ वो टायर का प्रॉब्लम आया है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ टायर का प्रॉब्लम क्या है। देखो आजकल कोई नहीं भाई, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। पपूदा बोल रहे थे टायर का प्रॉब्लम है, टायर का प्रॉब्लम है। ये देखो भाई, ये है टायर का प्रॉब्लम। और देखो भाई टायर, देखो तो टायर पे कोई प्रॉब्लम लग रहा है आप लोगों को? इसीलिए टायर खराब है ये बोल रहे हैं। पपूदा आपको गाड़ी चलाना नहीं आता समझ में आता है, लेकिन आपको क्या अभी ये भी नहीं मालूम है कि टायर के बारे में भी नहीं मालूम है क्या? ठीक है तो अभी जिम हो गया है, अभी जाते हैं। ये गाड़ी का काम भी जो था वो भी हो ही गया ऑलमोस्ट, अभी जाते हैं। ये चाबी ऊपर दे के आते हैं। 5-6 बजे से बुकिंग है, मेरा देश आगे बढ़ रहा है, यहीं पर हाथ धो रहा है। उसके बाद जो तुम्हारे क्वेश्चन है वो बताता हूँ, मैं उनके आंसर्स देता हूँ, रुक जाओ। तो चलो अब क्वेश्चन आंसर्स की बारी, जो तुम्हारे कुछ कुछ क्वेश्चन है उनका मैं आंसर देता हूँ। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनका मैं आंसर नहीं दे सकता हूँ, जैसे कि एक भाई ने पूछा है कि आपका कितना इंच। तो चलो अभी पहला जो क्वेश्चन है वो आता है हमारे तुमन कलिता भाई का। व्हाइट नंबर प्लेट में ये लीगल बिजनेस है क्या? भाई जो भी हमारे इंडिया में जो भी चीज़ अच्छी है ना वो लीगल नहीं है, अगर तुमको मालूम है तो फिर मालूम है तुमको। फिर इधर दूसरा जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन नहीं है, भाई ने अप्रिशिएट किया। डीजल कार्स आर वेरी लेस फॉर रेंटल, यू आर लव भाई। किसी ने तो समझा कि हम डीजल कार क्यों रखते हैं और डीजल कार चलाने में क्या मजा है, जो चलाता है उनको मालूम है। चलो अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन एसएमईज में है, जो बाहर से देख रहे हैं जिनको एसएमईज नहीं आता उनको बताया था। पहले पढ़ लेता हूँ मैं एसएमईज में।
फॉग लाइट टू लोगुआ भाभी सू नवम्बर ट्लोम। तो भाई पूछ रहे, तो भाई बोल रहे हैं कि जो थार का फॉग लाइट है उसको लगाओ, मैं सोच रहा हूँ रेंट करने का नवम्बर में। ठीक है भाई, आपने बोला और हम लगा देंगे। अब चलो ठीक है, अभी थार पे बैठा हुआ बिल्कुल, आप जब लोगे आपको एकदम लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, फिर तो क्वेश्चन तो नहीं, इसको डिमांड कह सकते हैं, मेरे पब्लिक का डिमांड है। भाई आप लोग के पास जितना भी गाड़ी है सबका वीडियो बनाइए प्राइस के साथ, प्राइस के साथ। भाई प्राइस क्या है ना, मैं देखो मेरा 3 व्लॉग्स मैंने बनाए हैं सेल ड्राइव गाड़ियों के ऊपर। मैं गाड़ियां दिखा दूंगा आप लोगों को, ऐसा रेंज बता दूंगा कि कितने पे क्या आएगा, लेकिन मतलब एकदम बता नहीं पाऊंगा कि इस गाड़ी का आपको इतना ही पड़ेगा ऐसा कुछ भी, क्योंकि क्या है ना देखो रेट वगैरह फ्लक्चुएट होते रहते हैं। इसीलिए अभी मैं कुछ बोल दूंगा और उस टाइम पे नहीं दे पाऊँ तुम लोग को तो फिर तुम लोग बुरा मान जाओगे, इसीलिए रेट्स बता देता हूँ कि इतने से इतने के अंदर आ जाएगा ऐसा बता रहा हूँ। और कुछ लोग जैसे देखो एक दिन के लिए भी लेते हैं, तो जो एक दिन के लिए ले रहा है अब वो भी उसी रेट पे मांगेगा, डिस्काउंटेड रेट पे मांगेगा, तो भाई मतलब क्या है ना प्रॉफिट वगैरह उतना बचता नहीं है भाई, आप लोग जितना सोचते हो उतना कुछ बचता नहीं है। ठीक है ना, तो इसीलिए मान लो कोई 6-7 दिन के लिए ले रहा है, एल्टो ले रहा है, ठीक है ना। अब मान लो कोई 6-7 दिन के लिए कोई एल्टो बुक कर रहा है, ठीक है, ऐसा नॉर्मल प्राइस जो एल्टो का होता है 1500-1600 का होता है। अब कोई ले रहा है एल्टो, जैसे कि जो गाड़ी मेरी खुद की है वो मैं खुद भी डिस्काउंट करके दे देता हूँ, बहुत लोगों को मालूम है, लेकिन वेंडर्स वगैरह जो है, अब देखो अभी आप बोलोगे मैं 7 दिन के लिए ले रहा हूँ मेरे को एल्टो 1000 रुपये करके दो, कैसे दे पाएंगे बोलो, मतलब वेंडर को क्या मिलेगा मेरे को क्या मिलेगा, मतलब वही है ना। अभी आप लोग समझ सकते हो क्या है कि आप लोग जो बोलते हो ना कि गाड़ी का एकदम फिक्स प्राइस बता दो फिक्स प्राइस बता दो, वैसा बताना थोड़ा मुश्किल है। मैं बता दूंगा कि कितने से कितने रेंज की गाड़ी है मैं बता दूंगा, लेकिन क्या है ना वो फिक्स प्राइस नहीं बता सकते, रेट वगैरह फ्लक्चुएट होता रहता है, फिर कभी कभी नई गाड़ी भी आती है, अलग अलग गाड़ी भी आती है इसलिए। और एक भाई है जो पूछ रहे हैं, भाई थार का फॉग लाइट लगाया क्या? लगा दूंगा भाई, अभी तो बोले लगा दूंगा यार तुम लोग। भाई का वार्निंग भरा क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नहीं भाई वार्निंग दे रहे हो मेरे को। भाई तुमको बोला था एक सेल ड्राइव के ऊपर वीडियो बनाने की, कैसे स्टार्ट करे, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आज से 4-5 महीने पहले, लेकिन नहीं बनाया तुमने, कहना भाई बहुत सारे कमेंट्स आते भाई अभी सॉरी मैं नहीं बना पाया, लेकिन मैं ठीक है अभी आपको क्या करना है। भाई तुमको बोला था एक सेल ड्राइव के ऊपर वीडियो बनाओ कि कैसे स्टार्ट करे, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आज से 4-5 महीने पहले, लेकिन नहीं बनाया तुमने। ठीक है यार बना दूंगा, लेकिन अभी देखो अभी क्या है कि देखो हर जगह पे अलग है, अभी हमारे इधर में व्हाइट नंबर प्लेट में, अभी तुम्हारे उधर पे है नहीं है वो तो तुमको मालूम है। ठीक है मैं प्रोसेस बता दूंगा यार, और ठीक है प्रोसेस बना दूंगा जरूर आएगा इसका व्लॉग भी। ठीक है तो चलो ये थे कुछ क्वेश्चंस, और कुछ बाकी है क्या? नहीं, हो गया। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि नहीं यार वो सब क्वेश्चंस नहीं यार, ये सब गलत बात है, ये सब मत पूछा करो। ठीक है तो अभी भाई मैं जिम से आ गया हूँ, और बस अब निकलता हूँ जाता हूँ, थोड़ा खाना खाने का टाइम हो गया, बहुत जोर से भूख लगा। चलो मिलते हैं तब तक के लिए अगली व्लॉग में, और आशा करता हूँ व्लॉग को आप लोग प्यार दोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे तभी तो मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, तभी तो मतलब ऐसा मेरे अंदर जगह है ना कि यार मैन विट की जो है ना बहुत प्यार करते हैं उसको, वो तभी मैं कंसिस्टेंट रह पाऊंगा। ठीक है ना, चलो तब तक के लिए मिलते हैं अगली व्लॉग में, सेव रहो, आराम से रहो, घूमो फिरो, खाओ पियो, एंजॉय करो यार, उतना टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, और देखो मौसम क्या औसम होके रखा है यार। ठीक है चलो मिलते हैं अगली व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहो, खुश रहना काफी इंपॉर्टेंट है। बाय बाय।